हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हमारे आईएमडीबी प्रोजेक्ट का फर्स्ट टास्क जो है उसके सॉल्यूशन को हम इस वीडियो में कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो हम सरल पे जैसे जाएंगे तो हमारा वेब स्क्रैपिंग के कोर्स में फर्स्ट टास्क है हमारा, जिसमें हमें ये टास्क दिया गया है जिसमें लिखा गया है कि हमें एक स्क्रैप टॉप लिस्ट नाम का एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, जिसकी जिसका आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें मल्टीपल डिक्शनरीज है एक लिस्ट के अंदर और हर डिक्शनरी में कुछ डेटा है, नेम नाम की है, उसमें कुछ स्ट्रिंग फॉर्मेट में डेटा है या फिर ईयर नाम की है, कुछ इंटीजर डेटा है, पोजीशन नाम की है उसमें भी कुछ इंटीजर डेटा है या फिर रेटिंग नाम की है उसमें एक फ्लोट के फॉर्म में डेटा है और यूआरएल नाम की है उसमें एक लिंक के फॉर्म में डेटा है। तो ये सारा डेटा जो है हमारा आईएमडीबी की जो वेबसाइट है वहाँ से आ रहा है। जो हम अगर देखें इंडिया की जो टॉप 50 मूवीज़ है उनका ये डेटा है, जहाँ पे ये जिसकी पोजीशन वन है, जिसका जिस मूवी का नाम आनंद है और इस वो जो 1971 में रिलीज़ हुई है। तो ऐसे सारी मूवीज़ का डेटा जो है हमें एक एक करके एक एक डिक्शनरी में हमें वो प्रिंट करवानी है अपने टर्मिनल पर। तो ये हमारा टास्क है। तो इसके लिए कुछ कंडीशन दी है कि हमारा हमारा नाम नेम जो मूवी का होगा वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, ईयर जो है एक इंटीजर के फॉर्म में होगा, पोजीशन जो है वो भी एक इंटीजर के फॉर्म में होगा, यूआरएल जो है मूवी का वो लिंक के फॉर्म में होगा और रेटिंग जो है हमारा फ्लोट के फॉर्म में होगा। और हमें कुछ हिंट दे रखी है कि किस टैग के अंदर हमें जाकर इस डेटा को निकालना है या फिर स्क्रैप करना है। तो आप ये हिंट यहाँ से पढ़ सकते हो। तो अभी मैं स्क्रैपिंग के लिए कोड लिखना शुरू करता हूँ। तो उससे पहले, स्क्रैप करने से पहले मैंने कुछ कोड लिखा है, पहले से ही लिख रखा है। तो हम उस कोड को ही वन बाय वन हमारे आई पाइथन के शेल में एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि कैसे ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है और इसका एक एक लाइन का आउटपुट क्या मिल रहा है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं अभी अपने आईपाइथन का शेल ओपन करता हूँ। तो मैं अपने टर्मिनल को यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, ये मेरा टर्मिनल ओपन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आईपाइथन के शेल को ओपन करता हूँ। ठीक है, ये आईपाइथन का शेल है जिसमें मैं वन बाय वन एक एक लाइन को मैं एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, इस लाइन को मैं कॉपी करके यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मेरा ब्यूटीफुल सूप यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद रिक्वेस्ट को मैं इंपोर्ट करवाने जा रहा हूँ। ये इंपोर्ट रिक्वेस्ट भी हो चुका है। तो मैंने एक वेरिएबल लिखा है जो URL नाम के एक वेरिएबल है, जिसमें एक URL है जो कि मेरे इस वेब पेज का URL है, जो हमारा IMDB का जो वेब पेज है, ये वेब पेज का जो URL है वो URL मैंने उस वेरिएबल में स्टोर करके रखा है। तो मैं इस लाइन को भी कॉपी कर लेता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, तो हम एक एक लाइन को अच्छे से एग्जीक्यूट करके समझेंगे कि कैसे हमारा कोड चल रहा है। तो उसके बाद मैंने अपने कोड में अगर हम जाके देखें तो मैंने एक दूसरा वेरिएबल लिया है पेज नाम का। ठीक है, जिसमें मैंने रिक्वेस्ट को कॉल किया है और गेट करके रिक्वेस्ट डॉट गेट करके मैंने URL को एज अ आर्ग्यूमेंट उसमें पास किया है। तो अगर आप पेज को प्रिंट करोगे तो आपको रिस्पॉन्स 200 नाम का एक स्टेटस कोड मिलेगा, जो ये बताता है कि आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुली जा चुका है और आपका पेज सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। तो अगर मैं पेज डॉट टेक्स्ट करूँगा तो आपको पता है कि जो है मेरा डेटा एक HTML के फॉर्म में मुझे मिलेगा, जो कि मैं इस वेब पेज पे अगर जाऊँगा और इस वेब पेज को इंस्पेक्ट करूँगा तो भी मुझे वो HTML का डेटा दिखेगा। जैसे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये HTML का जो कोड है यहाँ पे मुझे दिख रहा है।
तो वही कोड, सेम कोड मुझे मेरे टर्मिनल पे मैं प्रिंट करवा सकता हूँ पेज डॉट टेक्स पे, टेक्स का यूज़ करके, जो कि मैंने वहाँ पे रिक्वेस्ट को गेट रिक्वेस्ट करके कॉल किया है। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये जो पूरा HTML का कोड है मेरे टर्मिनल पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, हम आगे देखते हैं कि मैंने कोड में क्या किया है। तो मैंने आगे एक सूप नाम का वेरिएबल लिया है, जिसमें मैंने ब्यूटीफुल सूप को कॉल किया, और उसके अंदर मैंने दो आर्गुमेंट पास किए, एक पेज डॉट टेक्स्ट, ठीक है, एक पेज डॉट टेक्स्ट को मैंने एज ए आर्गुमेंट पास किया है, और आगे मैंने HTML डॉट पार्शर एज ए आर्गुमेंट पास किया है, जो मुझे पेज डॉट टेक्स्ट जो हम देख रहे हो कि ऊपर मेरा HTML के फॉर्म में जो डेटा आ रहा है, या फिर HTML का कोड जो मुझे आउटपुट में मिल रहा है, उसे रिजॉल्व करके मुझे एक अच्छे टेक्स्ट फॉर्म में मुझे ये सूप की मदद से हम उस डेटा को स्क्रैप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा सूप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है जो वेरिएबल है। तो अब जैसे हमारे टास्क में हमें बताया गया कि हमें एक फंक्शन लिखना है स्क्रैप टॉप लिस्ट नाम का, तो मैंने वही फंक्शन यहाँ पे लिखा है। तो मैं उस एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ कि मैंने क्या किया है। अब मैंने फंक्शन तो लिखा, तो अब हमें मेन टास्क ये है कि हमें इस वेबसाइट से जो 250 मूवीज़ है उनकी लिस्ट हमें निकालनी है। तो उस लिस्ट को निकालने के लिए हमें पहले ये डेटा कहाँ पर है ये ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो ये ढूंढने के लिए हमें पहले अपने पेज को इंस्पेक्ट करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट पहले से कर रखा है। और आप अगर यहाँ पे जाओगे तो आपको एक कर्सर दिखेगा, एक सिलेक्ट एलिमेंट नाम का एक कर जो यहाँ पे एरो है, उस एरो पे क्लिक करोगे तो वह एनेबल हो चुका है। और जैसे ही आप अपने वेब पेज पे लेकर जाओगे तो ये ब्लू जो ब्लॉक है, ये कर्सर को मूव कर रहा हूँ, तो जितने डिव्स है, जितने टैग्स है, हर टैग पर ये ब्लू ब्लॉक जो है दिखाई दे रहा है। तो हम देख रहे हैं कि डिव आर्टिकल नाम के एक डिव पर अब ये मेरा कर्सर है। तो जैसे ही, और उस पर हम देख रहे हैं कि उसके अंदर हमारी मूवी है, इसलिए मैं इस डिव को पहले ओपन करके देखूँगा। ठीक है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये डिव मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस डिव के अंदर भी अगर आप देखोगे तो कुछ और डिव्स है, या फिर अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, तो मैं अब इसके अंदर दूसरी जो डिव है लिस्टर नाम की, अगर आपने हिंट पढ़ी होगी तो उसमें कहा गया है कि आपको अगर हम फिर से जाए तो थोड़ा हिंट पढ़ ले, तो आपको यहाँ पे लिखा है कि एक टी बॉडी के अंदर, जिसकी क्लास लिस्टर लिस्ट है, उसके अंदर के टी आर्स में जो है हमारा डेटा है। ठीक है, बेसिकली तो मैं इस डिव के अंदर जाके देखता हूँ क्या इसके अंदर कोई टेबल है और जिसके अंदर टी बॉडी है। तो मैं इस डिव को ओपन करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमें एक टेबल दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर ले जा रहा हूँ तो वहाँ पे भी मेरे लेफ्ट साइड में वो ब्लॉक भी नीचे आ चुका है उस टेबल के अंदर। और जैसे ही मैं टेबल को ओपन कर रहा हूँ तो इसके अंदर भी एक टी बॉडी है जिसकी क्लास लिस्टर लिस्ट है। मतलब हमने जैसे हमें हिंट दिया है वैसे हमने उस क्लास को फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो इस टी बॉडी के अंदर जो टी आर्स है, यानी टेबल रोज है, इसके अंदर हमारा डेटा है, हमें इस टेबल रो को स्क्रैप करना है। तो उससे पहले हमें जो हमारी डिव है मेन, इसके अंदर टेबल बॉडी है, इसलिए मैं पहले इस मेन डिव के लिए कोड लिखूँगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास लिस्टर के लिए। ठीक है, तो मैं मेरे कोड में जाता हूँ, जैसे कि मेन डिव इक्वल्स टू सूप डॉट फाइंड डिव जिसकी क्लास लिस्टर है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है और मैं इसे अभी आई पाइथन के शेल में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अगर मैं इसको रिटर्न करवाऊँ तो आपको कुछ डेटा इस तरीके से दिखेगा, रिटर्न मेन डिव। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिटर्न करवाता हूँ और प्रिंट करवाऊँगा अपने फंक्शन को स्क्रैप टॉप लिस्ट, ठीक है, अगर मैंने इसको प्रिंट करवाया तो
इसके अंदर जो टेबल है और डिव है वो पूरा जो है एचटीएमएल का कोड यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, मतलब हमारा कोड सही है। इसके अंदर ये हमारा डेटा है जो टीआरस वगैरह टेबल बॉडी हमें देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर मुझे जाना है, इस टी बॉडी के अंदर भी अगर आप देखोगे, सॉरी इस डिव के अंदर भी देखोगे तो एक टेबल है, टेबल के अंदर टी बॉडी है, मतलब मुझे इस टी बॉडी को के लिए कोड लिखना है, ठीक है। उसके लिए मैंने पहले से कोड लिख रखा है कि जैसे टी बॉडी इक्वल्स टू मेन डिव के अंदर टी बॉडी है, इसके लिए मेन डिव डॉट फाइंड किया है और उसके अंदर हम टी बॉडी जिसकी क्लास लिस्टर लिस्ट है, ठीक है। तो मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, मेन डिव नॉट फाइंड करके आ रहा है, सॉरी। तो मैं फंक्शन के बाहर चले गया था तो इस वजह से वो मुझे एरर दे रहा है। तो फिर फंक्शन के अंदर आ गए, यहाँ पे मुझे उसको प्रिंट करवाना है, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने इसको इस लाइन को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर इसको भी रिटर्न करोगे तो आपको टी आर्स जितने हैं वो पूरे टी आर्स मिलाएंगे, टी बॉडी, ठीक है। और मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट स्क्रैप टॉप लिस्ट, तो आपको ये टी आर्स का जो है टी बॉडी के अंदर आप देख सकते हो, टी बॉडी यहाँ पे क्लोज हो गई, यहाँ पे सब जो 250 टी आर्स है सारे टी आर्स के अंदर का डेटा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो आप ये कोड एक एक वन बाय वन लाइन जैसे हम एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखी है टी आर्स के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टी बॉडी के अंदर हमारे टी आर्स है, तो हम और ये टी आर्स बहुत सारे एक नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे फाइंड का यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें इधर यहाँ पे फाइंड ऑल का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें एक लिस्ट बनेगी और उस लिस्ट के अंदर ये सारे टी आर्स स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं मेरे कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ जहाँ पे मैंने टी आर्स नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें टी बॉडी को कॉल करके फाइंड ऑल किया है उसके अंदर के सारे टी आर्स को, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके अपने शेल में पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अगर आप इसको भी रिटर्न करके देखना चाहो तो भी देख सकते हो कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, टी आर्स, ठीक है। प्रिंट स्क्रैप टॉप लिस्ट, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरा आउटपुट ये आ रहा है। तो एक टी आर्स आप देख सकते हो एक लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब एक सारे लिस्ट, जैसे मैंने कहा कि जैसे हम फाइंड ऑल यूज़ करेंगे तो जितने भी टी आर्स है वो एक लिस्ट के अंदर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब एक लिस्ट के अंदर आ चुके हैं 250 हमारे जो टी आर्स है, ठीक है। फिर से हम अपने कोड पे आते हैं, तो हमने अब हमारे पास एक लिस्ट आ गई है टी आर्स की। तो अब इस टी आर्स के अंदर से हमें एक एक करके जो है हमारा डेटा हमें यहाँ से निकालना है। तो हमें जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है उन सारी चीज़ों के लिए हम पहले कुछ लिस्ट बना के लेंगे, जैसे मूवी के नेम है, या फिर जैसे अगर हम इस वेबसाइट पर फिर से जाए आप देख सकते हो कि मूवीज़ की नेम की लिस्ट है आएगी हमारे पास, रैंक की लिस्ट आएगी, ईयर्स की लिस्ट आएगी, रेटिंग्स की लिस्ट आएगी, या फिर इसके यूआरएल्स की लिस्ट आएगी। तो हर एक डेट जो लिस्ट है उसके लिए हम एक लिस्ट एम्प्टी लिस्ट ले लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है कि मूवी रैंक के लिए एक एम्प्टी लिस्ट है, मूवी नेम के लिए एक एम्प्टी लिस्ट, ईयर्स ऑफ रिलीज़ के लिए एम्प्टी लिस्ट, मूवी इसके यूआरएल्स के लिए एम्प्टी लिस्ट, मूवी रेटिंग्स के लिए एक एम्प्टी लिस्ट। तो सारी एम्प्टी लिस्ट को हम यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये सारी मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, तो आप ठीक है थोड़ा सा इसको एडिट करूँ ताकि
आप इजीली समझ जाओ कि क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने अलग अलग लिस्ट बना ली है रैंक के लिए, मूवीज़ के नेम के लिए, जैसे ईयर ऑफ रिलीज़ के लिए। ठीक है, आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे कोड आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम जो टी आर्स जो हमें मिली है एक लिस्ट के फॉर्म में है, उस पर एक लूप चलाएंगे जिसमें से हमें एक एक टी आर मिलेगा, तो उसके बेसिस पे हम उसकी पोजीशंस हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं एक फॉर लूप चलाता हूँ टी आर्स पे। ठीक है, तो इस लाइन को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, सॉरी। हाँ, ओके, तो टी आर्स पे मैंने एक फॉर लूप चलाया, तो जिसके अंदर हम पहले पोजीशन फाइंड करेंगे हर मूवी की। तो मैं थोड़ा टेक्स्ट एडिटर बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप इजीली देख सको। तो जिसके अंदर मैंने टी आर्स डॉट फाइंड टी डी, ये कहाँ से आया ये देखने के लिए हमें फिर से इस वेब पेज पे जाना होगा। तो जैसे हमारी एक लिस्टर लिस्ट ये क्लास है, इसके अंदर टी आर है, तो हम एक किसी भी एक टी आर को ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट जो टेबल डेटा है उसमें पोस्टर का कॉलम है, जो दूसरा है वो टाइटल कॉलम है, जिस टाइटल कॉलम के अंदर आप देख सकते हो कि जो ब्लू ब्लॉक है वो पूरा रैंक पर भी है, मूवी के नेम पर भी है, ईयर पर भी है। तो अगर आप इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको मूवी की रैंक भी मिल रही है और साथ ही साथ उसका नाम और उसके साथ आपको ईयर भी मिल रहा है, और साथ में और एक चीज़ है जो आपको इस मूवी की लिंक भी यहीं से मिल रही है। तो ये चार चीज़ें हमें यहाँ से मिल रही है, मतलब हम इस टेबल डेटा के अंदर इस क्लास जो टाइटल कॉलम है इसके अंदर से हम चार चीज़ें हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम इस टेबल डेटा के लिए अभी हम एक कोड लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि पोजीशन के लिए टी आर डॉट टी आर, जो हमारे टी आर्स है उसके अंदर हम फाइंड करेंगे टी डी को, जिसकी क्लास टाइटल कॉलम है। ठीक है, तो जिसकी क्लास टाइटल कॉलम है, ठीक है, और वो एक टी डी है। तो मैं उस लाइन को यहाँ से कॉपी करके एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। स्ट्रिप, ठीक है, थोड़ा इसको भी बड़ा कर लेते हैं ताकि हम इजीली समझ सकें। ठीक है, तो ये स्ट्रिप, तो अगर हम इसको रिटर्न करवाएं तो मुझे पोजीशन मिलेगी फर्स्ट फिल्म की, पर वो क्लियर नहीं होगी, देखते हो किस फॉर्म में आ रही है पहले। ठीक है, मैं प्रिंट करता हूँ स्क्रैप टॉप लिस्ट को। ठीक है, तो आनंद, ठीक है, स्ट्रिप करने का जैसे वो वाइट स्पेस चला गया है और ये वहाँ पे वन आ गया है। अगर मैं यहाँ से स्ट्रिप निकाल दूँ, जैसे अगर मैं इसमें से ये स्ट्रिप निकाल देता हूँ, तो आप देख सकते हो किस फॉर्म में आ रहा है, या फिर हम गेट टेक्स्ट भी निकाल के देख लेंगे कि कैसे ये डेटा मुझे मिल रहा है। हम बाद में इस पर गेट टेक्स्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये, हाँ, तो गेट टेक्स्ट हम बाद में अप्लाई करेंगे और देखेंगे इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो इसका आउटपुट ये आ रहा है कि हम टेबल डेटा जो हमारा टैग है टी डी, उसके अंदर जो यहाँ पे हमें दिख रहा है इंस्पेक्ट एलिमेंट में, एज इट इज़ जो है पूरा टी डी का जो टैग है हमारे टर्मिनल पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है,
अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँ तो आप इजीली देख पाओगे, ये टी डी और इसके अंदर का ये पूरा डेटा, तो एज इट इज़ सेम पूरा डेटा हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो अब हम इस पर गेट टैग्स करेंगे तो ये जो है टैग्स है यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है, इसलिए हम गेट टैग्स को यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, गेट टैग्स करेंगे और स्ट्रिप बाद में यूज़ करके देखेंगे कि स्ट्रिप की मदद से क्या हो रहा है। तो हम स्ट्रिप को बाद में यूज़ करेंगे, तो यहाँ से मैं स्ट्रिप हटा लेता हूँ, ठीक है, ये स्ट्रिप हट गया। हाँ, अभी हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ वाइट स्पेसेस है, तो इसलिए मैंने स्ट्रिप लगाया था ताकि ये वाइट स्पेसेस हट जाए और हमें वन को अच्छे से एक्सेस कर सके जहाँ से हमें पोजीशन मिलेगी, ठीक है। तो स्ट्रिप लगाने की वजह से तो मैं यहाँ पे स्ट्रिप लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्ट्रिप लगाया है। तो जैसे ही मैंने स्ट्रिप लगाया यहाँ पे, अब हम इसको रिटर्न करके देखेंगे कैसे आउटपुट आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि ऊपर में वाइट स्पेसेस थे, जैसे ही मैंने स्ट्रिप लगाया वाइट स्पेसेस हट के ये वन जो है लेफ्ट साइड में आ गया है, ठीक है। तो स्ट्रिप की मदद से हमने जो वाइट स्पेसेस है वो हटा लिए। अब हम आगे क्या करेंगे इस कोड में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम आगे कैसे करेंगे। तो आगे फिर से हम कोड में जाते हैं। तो आगे मैंने क्या किया है कि एक रैंक नाम का वेरिएबल लिया है जो एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, और उस पर मैंने फॉर लूप चलाया है पोजीशन पे, जो हमें ये आउटपुट दे रहा है कुछ इस तरीके का स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है ये एक आउटपुट है, तो हम स्ट्रिंग पर लूप चला सकते हैं, ठीक है। तो अगर स्ट्रिंग के अंदर डॉट नहीं है तब तक रैंक में आई प्लस होता जाएगा, ठीक है, मतलब आई में एक एक वैल्यू आएगी, जैसे वन आया या फिर एक एक टू थ्री, मतलब जैसे स्ट्रिंग पे एक एक इंडेक्स वो चलता जाएगा, वो प्लस होता जाएगा। अगर आई में डॉट आ गया तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और जो लूप है ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। जैसे मैंने रैंक को कॉपी किया, तो मैं वन बाय वन लाइन यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसका इंडेंटेशन, ठीक है। हाँ, मैं यहाँ से पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, तो हम पेस्ट करता हूँ, ये चीज़ें हटा देता हूँ ताकि आप, यहाँ से मैं हटा देता हूँ ताकि आप इजीली कोड को पढ़ सकें। सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं इसको सॉल्व करके आपको फिर वीडियो में मिलता, तब तक थोड़ा पॉज कर लेता वीडियो, ठीक है। तो मैंने कोड को सही से लिख लिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब आगे कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है ये भी हम देखेंगे पहले। तो मैं फिर से शेल में जाता हूँ, हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे तो मुझे रैंक मिल रहा है, पर हम इस रैंक को क्या करेंगे, हम जो मूवी रैंक नाम की लिस्ट है उसमें अपेंड करवाएंगे। तो इस लूप के बाहर, ठीक है, यहाँ पे जो लूप ख़त्म हो रहा है, तो मूवी रैंक डॉट अपेंड करेंगे रैंक को, ठीक है, जहाँ से हमें रैंक्स मिलेगी। तो शायद इंडेंटेशन थोड़ा सा बाहर है, तो मैं उसे अंदर कर लेता हूँ, हाँ अब ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर रिटर्न करवाऊँ रिटर्न मूवी रैंक को, तो आप देखोगे कि इसके अंदर सारी जो रैंक्स है वो आ चुकी होंगी,
रैंक्स नाम का रैंक्स, ठीक है। तो मैं फिर से स्क्रैप टॉप लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, स्क्रैप टॉप लिस्ट, ठीक है। जैसे मैंने प्रिंट किया तो आप देख सकते हो 250 मूवीज़ की जितनी भी रैंक्स है वो सक्सेसफुली हमने एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर ली है, ठीक है। तो ऐसे ही अभी हम आगे का कोड समझते हैं कि कैसे मैंने आगे कोड किया है, ठीक है। तो मैंने आगे टाइटल नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसमें से हम मूवी के नेम को फाइंड करेंगे। तो बेसिकली हमें फिर से यहाँ पे जाना होगा जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि इसी टैग के अंदर मूवी का नाम भी मिलेगा जो एंकर टैग के अंदर है, ठीक है। तो हम उसको कैसे एक्सेस करेंगे, इसके लिए मैंने जो कोड लिखा है कि मैंने एक वेरिएबल लिया है टाइटल नाम का, फिर मैंने टी आरस के अंदर फाइंड किया टी डी को जिसकी क्लास टाइटल कॉलम है, सेम क्लास है, और उसके अंदर एंकर टैग डॉट ए करके उस पर गेट टेक्स्ट किया है जिसकी वजह से उस एंकर टैग के अंदर का जो टेक्स्ट है वो हमें मिल जाएगा। तो मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे आगे का कोड हम लिखेंगे। तो मैं फिर से थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप इजीली समझ सको, ठीक है। तो अब इस लूप के अंदर ही हम आगे का कोड लिखेंगे, सॉरी। तो मैं यहाँ पे उस कॉपी कर लिया मैंने उस लाइन को मेरे टेक्स्ट एडिटर से, ठीक है। अब हम इसको रिटर्न करवा के देखेंगे कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। सिर्फ हम टाइटल को पहले रिटर्न करवाएंगे, फिर ए को डॉट ए लगा के रिटर्न करवाएंगे कि क्या आ रहा है। रिटर्न करेंगे हम टाइटल को, ठीक है। उसके बाद रिटर्न की शायद स्पेलिंग मेरी गलत हो गई है, ठीक है। तो हम रिटर्न करवा रहे हैं। मैं फिर से प्रिंट करूँगा स्क्रैप टॉप इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो टी डी है, टी डी के अंदर का जो एंक पूरा जो डेटा फिर से हमें मिला, पर अगर मैं इसमें डॉट ए लगा दूँ तो सिर्फ मुझे एंकर टैग दिखेगा। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको, डॉट ए, ठीक है। तो अगर मैं इसे प्रिंट करूं, प्रिंट स्क्रैप टॉपलेस, तो अब एंकर टैग सिर्फ मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो एंकर टैग के अंदर भी अगर मैं गेट टैग्स करूंगा तो मुझे आनंद जो मूवी है वो मूवी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें अगर मैं गेट टेक्स्ट करता हूँ, डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है, अगर इसमें मैं रिटर्न करवाता हूँ तो मुझे प्रिंट स्क्रैप टॉप लिस्ट, ठीक है। आप देख सकते हो ऊपर मेरा कोड है, ठीक है। जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आनंद जो है मेरे मूवी का नाम वो मुझे मिल गया। रिटर्न किया इसके लिए वो सिर्फ एक ही मूवी का नाम दिखा रहा है, ठीक है। यानी हमारा कोड सही से चल रहा है। हम फिर से आते हैं हमारे कोड पे आगे। तो हमने टाइटल भी तो टाइटल निकाल लिया, अब हम टाइटल को भी एक लिस्ट में स्टोर करेंगे मूवी नेम नाम के, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मूवी नेम डॉट अपेंड,
जो है टाइटल, ठीक है, ये मूवी नेम अपेंड हो चुकी है। तो मैं अभी इसको प्रिंट या फिर रिटर्न नहीं करवाता क्योंकि बहुत कोड लेंदी हो जाएगा। आप भी आप देख लेना कि कैसे रिटर्न हो रही है वैल्यूज़, तो उसमें वो अपेंड हो चुकी है, ठीक है। तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम करेंगे ईयर्स को, वैसे ही मैंने ईयर्स को भी फाइंड किया है, तो ईयर्स भी हमें इसी में से मिल रही है जिस ईयर में वो रिलीज़ हुई है, ईयर ऑफ रिलीज 1971 जो स्पैन टैग के अंदर है। तो उसके लिए भी मैंने कोड लिखा है, बहुत इजीली हम उसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कोड है और ये वेबसाइट, ये कोड, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कि ईयर के लिए tr.find td क्लास टाइटल कॉलम डॉट स्पैन किया है, जहाँ पे डॉट ए किया था क्योंकि हमें एंकर टैग के अंदर जाना था, अब डॉट स्पैन किया क्योंकि हमें स्पैन टैग के अंदर जाना है, और डॉट गेट टेक्स किया जिसकी वजह से हमें ये टेक्स्ट जो है अंदर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 1971 मुझे आउटपुट मिल जाएगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे पहले पेस्ट कर लेता हूँ और मैं इसको रिटर्न करवा कर आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमारा ईयर हमें मिल रहा है, ठीक है। मैं प्रिंट करता हूँ स्क्रैप टॉप लिस्ट, तो हमें ईयर मिल रहा है 1971, मतलब हमने बहुत अच्छी तरीके से इसे स्क्रैप कर लिया है। तो अब हम इसे हमारी जो एक लिस्ट है ईयर ऑफ रिलीज, इसमें हम उसे अपेंड करवाएंगे, ठीक है। तो मैं उसे अपेंड करवाता हूँ, ईयर ऑफ रिलीज, ईयर ऑफ स्टार्ट अपेंड, अपेंड करवाएंगे हम ईयर को, ठीक है। ये सक्सेसफुली अपेंड हो चुकी है। तो अगर आप इसको रिटर्न करोगे तो आपको दिखेगा ईयर ऑफ ठीक है। तो अगर आप इसको फिर से प्रिंट करोगे स्क्रैप टॉप लिस्ट, ठीक है, तो ये 1971 अपेंड हो चुकी है। अगर मैं प्रिंट करता तो अगर मैं इस लूप के बाहर अगर इसे रिटर्न करवाता हूँ तो पूरा देख सकोगे, ठीक है। मैं इसको लूप के बाहर रिटर्न करवाता हूँ ताकि आप इजीली देख पाओ कि क्या 250 मूवीज़ का जो ईयर है, 250 मूवीज़ की रिलीज़ ईयर है वो आ पा रही है, हम उसे स्क्रैप कर पा रहे नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे थोड़ा इंडेंटेशन नहीं होगा, ठीक है। हाँ तो मैं सक्सेसफुली कर लिया, ठीक है। तो मैं प्रिंट करवाता हूँ प्रिंट स्क्रैप टॉप लिस्ट, स्क्रैप टॉप लिस्ट, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली हमने हर ईयर मूवी की हर ईयर को यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर लिया, 1971 से लेके 2001, तो जितने भी ईयर्स हैं हमने ईयर्स को एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर लिया, ठीक है। ऐसे हम आगे अभी फिर हमारे कोड पे जाते हैं, तो जहाँ पे मैंने IMDB रेटिंग को स्क्रैप किया है, ठीक है, उसके बाद लिंक को स्क्रैप किया है। तो मैं इस लाइन को भी एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये लाइन का आउटपुट या फिर इस कोड का आउटपुट मुझे मिल रहा है। अगर मैं फिर से अपने कोड पर आऊँ तो ये मेरा कोड है, इसके नीचे मैं इस लाइन को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया है, IMDB रेटिंग नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें tr.find td
जो है हम टीडी के अंदर क्लास जिसकी क्लास है रेटिंग कॉलम आईएमडीबी रेटिंग और इस पे स्ट्रॉन्ग एक टैग है। जैसे अगर आप देखोगे तो ये टीडी क्लास ठीक है जिसकी क्लास रेटिंग कॉलम अगर हम इसको ओपन करें इस टीडी टैग को ठीक है तो इसके अंदर जो है रेटिंग कॉलम के अंदर आपको अगर देखोगे दो में हाँ ये रेटिंग कॉलम जो है आईएमडीबी का इसके अंदर आप देखोगे तो 8.7 जो जिसकी क्लास रेटिंग कॉलम आईएमडीबी है जो मैंने अपने कोड में भी लिखा है कि क्लास है रेटिंग कॉलम आईएमडीबी रेटिंग ठीक है तो यही सेम यहाँ पे भी लिखा हुआ है तो हमने इसको एक्सेस किया है तो इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग टैग है उसके अंदर जो है हमें वो रेटिंग दी है 8.7। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ इस लाइन को तो इसका आउटपुट कुछ हमें इस तरीके से दिखेगा रिटर्न आईएमडीबी आईएमडीबी रेटिंग प्रिंट स्क्रैप टॉप लिस्ट ठीक है तो 8.7 इसकी रेटिंग हमें मिल चुकी है। तो मैं इस डेटा को भी एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। तो बेसिकली हम वन बाय वन जो है हमारे टास्क को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं ठीक है। तो मैं मूवी रेटिंग्स नाम की जो लिस्ट मैंने ऊपर बनाई है उसके अंदर उसे स्टोर कर लेता हूँ। टीम स्टार्ट अपेंड आईएमडीबी रेटिंग ठीक है तो ये सक्सेसफुली अपेंड हो चुकी है। अब आगे मैंने क्या किया है कि मैंने लिंक्स को फाइंड किया है ठीक है। तो ये जो हम यहाँ पे अगर हम वेबसाइट पे जाए फिर से तो अब यहाँ पे देख सकते हैं इस एंकर टैग के अंदर जो एक टीडी टैग के अंदर जिसकी क्लास टाइटल कॉलम है उसके अंदर एक एंकर टैग है। एंकर टैग के अंदर कुछ लिंक दी है मूवी की उस मूवी यानी वो कुछ एक यूआरएल है उस यूआरएल को हमें स्क्रैप करना है। तो अब हम फिर से अपने कोड पर जाते हैं हम देखते हैं कि हमने क्या कोड लिखा है कि लिंक इक्वल्स टू tr डॉट फाइंड यानी टेबल रो में हमें फाइंड करना है एक टीडी टैग जिसकी क्लास है टाइटल कॉलम और उसके अंदर जो एंकर टैग है एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट है href ठीक है। href एट्रीब्यूट के अंदर जो ये url है ठीक है उसे हमें स्क्रैप करना है। इसके लिए मैंने ये कोड लिखा है तो यहाँ से हमें ये url मिलेगा। अगर हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करें तो हम देख सकते हैं हमें क्या आउटपुट आ रहा है ठीक है। मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ रिटर्न लिंक। तो अब मैं इसे अगर इसे प्रिंट कराऊँ स्क्रैप टॉप लिस्ट ठीक है तो मुझे वो लिंक मिलेगी। तो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में मुझे लिंक मिल रही है पर हमारी कंडीशन है जो यूआरएल है हमें एक लिंक के फॉर्म में चाहिए। अगर आपने कंडीशन पढ़ी होगी तो यहाँ पे लिखा है कि जो यूआरएल मूवी इंडिविजुअल पेज का लिंक होना चाहिए वो एक लिंक होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे उसे लिंक में कन्वर्ट करेंगे। तो लिंक में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो हम उसे आईएमडीबी की अगर हम वेबसाइट ढंग से देखें तो पहले http www.imdb.com लिखा है और उसके आगे रेस्ट ऑफ जो लिंक है वो है। तो हम क्या करेंगे हमारे पास आगे का तो लिंक है तो हम imdb जो https को कॉपी कर लेते हैं और उसे हम सेव कर लेंगे। जैसे अगर मैं कोड में भी मैंने वही किया है कि मूवी लिंक नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने जो हमने url देखा उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर किया है
और प्लस जो हमें एक स्ट्रिंग मिल रही है उसको प्लस कर दिया, तो दोनों मिला के हमारी एक लिंक बन जाएगी। जैसे अगर मैं इसे कॉपी करूँ यहाँ से, उस पर पेस्ट करूँ, तो आप इसका आउटपुट भी हम देखेंगे कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये अगर मैं जाऊँ इसमें, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे पेस्ट करूँ इसे और यहाँ पे मूवी लिंक को रिटर्न करवाऊँ, तो आप देखोगे कि हमें आउटपुट में एक लिंक ही मिलेगा। ठीक है, मैं प्रिंट करवाता हूँ, स्क्रैप टॉप लिस्ट। ठीक है, हमें एक लिंक मिल रहा है, ठीक है, जिसके नीचे अंडरलाइंस हमें दिख रही है एक लिंक के फॉर्म में। अगर आपने पहला आउटपुट देखा होगा एक स्ट्रिंग के फॉर्म में, अगर उस पर कर्सर ले जाते हो तो कोई अंडरलाइंस नहीं मिलती। और यहाँ पे आप देखोगे कि आईएमडीबी की जो पूरी मतलब किस ढंग में लिंक होती है, उस ढंग में ये हमें मिल रहा है, यानी हमारा ये कोड सही चल रहा है। तो हम इसे भी हमारे एक लिस्ट में अपेंड करवा लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैंने जो एक लिस्ट बनाई है मूवी यूआरएल्स की, उसके अंदर उसे अपेंड करवाऊँगा। ठीक है, अब ये सक्सेसफुली अपेंड हो चुकी है। अगर आप इसको रिटर्न करके देखोगे तो 250 मूवीज़ की जितनी भी URLs है वो एक लिस्ट के अंदर स्टोर हो चुकी होंगी। ठीक है, तो अब आगे हम करते हैं। यहाँ तक तो हमने सारी जितनी भी हमारे टास्क का आधा हिस्सा हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। तो एक बार हम फिर से टास्क पे जाते हैं कि हमने क्या क्या करना था टास्क में। टास्क में हमें रेटिंग्स फाइंड करनी थी, URL, पोजीशन, ईयर और नेम, ये पाँचों की पाँचें चीज़ें हमने फाइंड कर ली है। अब हमें हमारा आउटपुट हमें दिखाना है, वो कुछ इस पैटर्न में होगा। तो हमें एक डिक्शनरी बनानी होगी एक लिस्ट के अंदर, जिसका कुछ पैटर्न इस तरीके से होगा। तो इसके लिए हमने कोड लिखना है, तो इसके लिए भी मैंने कोड लिखा है, वो हम कोड फॉलो करेंगे। तो मैंने इसलिए कोड लिखा है कि हमने एक टॉप लिस्ट नाम की मैंने एक एम्प्टी लिस्ट ली है, फिर मैंने डिटेल्स नाम की एक डिक्शनरी बनाई है, जिसमें मैंने खुद से कुछ चीज़ें यहाँ पे कीज़ मैंने दी है, जैसे पोजीशन, नेम, ईयर, रेटिंग, URL, ठीक है, जो जो हमें यहाँ पे दिया है। ठीक है, अगर आप फिर से टास्क पे जाओ तो देख सकते हो कि पोजीशन, ईयर, नेम, रेटिंग, URL, ठीक है, यही चीज़ें मैंने अपने डिक्शनरी में यहाँ पे स्पेसिफाई की है। तो ये दो लाइनें मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ अपने IPython के शेल पे। तो मुझे पहले लूप के बाहर आना होगा। ठीक है, मैं अब लूप के बाहर आ चुका हूँ, मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। सॉरी, थोड़ा इंडेंटेशन प्रॉब्लम हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो अब ये आ गया। ठीक है, अब सेकेंड लाइन को भी मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक डिक्शनरी यहाँ पे बना ली है। ठीक है, एक डिक्शनरी बनाई है जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 कीज़ है। ठीक है, पोजीशन, नेम, ईयर, रेटिंग, URL, ठीक है, और हर की वैल्यू एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब आगे मैंने लूप चलाया है। लूप इस प्रकार है कि मैंने फॉर आई इन रेंज लेंथ जो है मूवीज़ रैंक जो है हमारी एक मूवी जहाँ पे मूवीज़ की पोजीशन है या फिर मूवीज़ की रैंक है जो 1 से लेके 250 तक है, यानी हमारा लूप 0 से लेके 249 तक चलेगा। ठीक है, तो मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और अब अगर आपने ढंग से अगर देखा होगा तो हमारे हर एक लिस्ट की लेंथ है
जो 250 होगी, तो हमने एक रैंडमली किसी भी एक लिस्ट की अगर लेंथ भी ले ली तो भी चलेगा, क्योंकि हर एक लिस्ट की लेंथ 250 ही हमें मिलेगी। तो हमारा हर बार लूप 0 से लेके 249 तक चलेगा, ठीक है। अब इसके आगे मैंने यहाँ पे तो डिक्शनरी बना ली, फिर हमने क्या किया है, हर की को उसकी वैल्यू असाइन कर दी है। जैसे डिटेल्स के एक की है पोजीशन, ठीक है, उसको मैंने मूवी रैंक का रैंक के हर रैंक्स का हर इंडेक्स, जैसे अगर ये लूप चलेगा लूप ज़ीरो पे आएगा तो मूवी रैंक का ज़ीरो इंडेक्स जो है पोजीशन ज़ीरो पे जो वन है तो वन, ऐसे हर मूवी के लिए अलग अलग डिक्शनरी बनती जाएगी। और फिर डिटेल्स के अंदर जो नेम की है उसके लिए मैंने मूवी नेम की लिस्ट को कॉल किया है। फिर ईयर ऑफ रिलीज़ के लिए मैंने पहले हम अगर हमने देखा होगा कि हमारा ईयर ऑफ रिलीज़ जो है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा था, उसके लिए मैंने स्लाइसिंग करके यहाँ पे उसे सिर्फ नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो हम देखेंगे एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करके कि कैसे ये कोड चल रहा है। तो मैं डिटेल्स को यहाँ पे पहले कॉपी करके जो पहले पोजीशन वाली लाइन है उसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं डिटेल्स के डिक्शनरी के अंदर जो पोजीशन की है उसको एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ मूवी रैंक्स की, रैंक्स के लिस्ट की, ठीक है। और वो इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए, जैसे हमें हमारे टास्क में बताया गया है कि हमारी जो रैंक या फिर पोजीशन है वो इंटीजर के फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर में उसे कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इसके आगे मैंने डिटेल्स के नेम की को कॉल किया और उसको एक वैल्यू असाइन कर दी मूवी नेम के लिस्ट के अंदर की, एक एक वैल्यू आएगी और उसे मिलती जाएगी। ऐसी 250s डिक्शनरीज बनेंगी जिसमें हर डिक्शनरी में एक अलग नाम होगा। तो ये लाइन वो काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ईयर्स की बात करें तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि हमारा ईयर जो है एक राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आ रहा है, इसलिए मुझे उसको स्लाइसिंग करनी पड़ रही है। इसके एग्जांपल भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे स्लाइसिंग के बाद उसका आउटपुट मुझे मिलेगा, ठीक है। पहले मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ और मैं अपने एक न्यू टैब खोल लेता हूँ, ठीक है, जहाँ से हम देखेंगे आई पाइथन के शेल में ही आई पाइथन। अगर मैं एक वेरिएबल ले लूँ ए इक्वल्स टू, ठीक है, और जैसे हमारा आउटपुट आ रहा था 1971, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग के फॉर्म में हमारा आउटपुट आ रहा था। अगर हम ए को प्रिंट करें तो ए 1971 दिख रहा है, जो हमारा आउटपुट हमें मिल रहा था यहाँ पे इस कोड में, ठीक है। तो इस कोड में मैंने कैसे स्लाइसिंग की है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हम अगर इसकी लेंथ फाइंड करें तो हमें ए ऑफ लेंथ जो है 6 मिलेगी, यानी इसकी इंडेक्स 5 है और इसकी लेंथ 6 है, यानी 0 इंडेक्स पे राउंड ब्रैकेट्स है और 5th इंडेक्स पे राउंड ब्रैकेट्स है, यानी मुझे 1 से लेके 4 तक स्लाइस करना है। अगर मैं 1 से लेके 4 तक स्लाइस करूँगा तो क्या होगा कि मेरा लूप 1 से स्टार्ट होगा और 4 पे स्टॉप हो जाएगा, तो मुझे सिर्फ 3 ही इंटीजर्स मिलेंगे 971। अगर मैं इसे 5 तक स्लाइस करूँगा, ठीक है, तो मुझे जो है 4 डिजिट्स जो है 1971 ये मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने इस कोड में, ठीक है, ईयर ऑफ रिलीज के जो आई है, यानी हर आई पर मैंने एक लूप चलाया 1 से लेके 5 तक, ठीक है, जो 1971 जैसे यहाँ पे मैंने किया 1971 ये आउटपुट मिलेगा, ठीक है, जो मेरे राउंड ब्रैकेट्स हट जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये कोड यहाँ पे लिखा है। तो आगे की लाइन हम एग्जीक्यूट करते हैं।
तो फिर मैंने डिटेल्स के अंदर जो ईयर की की है उसको ये वाली वैल्यू असाइन कर दी है और उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया है। फिर उसके नीचे मैंने डिटेल्स के अंदर जो रेटिंग की है उसको कॉल किया, फिर उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया है। मूवी रेटिंग्स के एक एक वैल्यू को मैंने यहाँ पे कॉल किया है, जो हमारी लिस्ट है मूवी रेटिंग्स की। ठीक है, मैं इस दो लाइन को अभी एग्जीक्यूट करता हूँ। और इसके बाद ये अब डिटेल्स यूआरएल जो है हमारी डिटेल्स में मैंने यूआरएल के की को कॉल किया और मूवी यूआरएल जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर से एक एक यूआरएल इस की को असाइन होती जाएंगी हर एक डिक्शनरी में 250 बार। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा इस कोड को अच्छे से ढंग से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जैसे ही ये लूप बार बार हमें 250 डिक्शनरीज बनानी है, यानी अगर एक डिक्शनरी बन गई तो दूसरी डिक्शनरी जब बनेगी तो मुझे जो है डिक्शनरी हर बार खाली मिलनी चाहिए या फिर एम्प्टी मिलनी चाहिए ताकि दूसरे फिल्म्स का जो डेटा है उसमें आ जाए। इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो ऊपर वाली लाइन है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हर बार मुझे जो है एक एम्प्टी डिक्शनरी मिलेगी जितनी बार वैल्यू असाइन होगी, ऐसे 250 बार होगा और 250 मूवीज़ की मूवीज़ का जो डेटा है अलग अलग डिक्शनरी में स्टोर होता जाएगा। ठीक है, जब आप इसे एग्जीक्यूट करोगे एक एक लाइन तो आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, कि क्या हो रहा है इस कोड में। मैंने कुछ यहाँ पे दूसरी तरीके से किया है पर आप कुछ अलग, ये जो मैंने यहाँ पे बताया है वो एक इजी तरीका है, तो आप इसे अपनाओगे तो आप बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे कि कोड में क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब लास्ट में हम क्या करेंगे, ये जो डिटेल्स है इसे अपेंड करेंगे डिक्शनरी को एम्प्टी करने से पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टॉप जो मूवी नाम की जो हमने एक लिस्ट बनाई है उसके अंदर मैं इस डिटेल्स को अपेंड करवा देता हूँ, ताकि डिटेल्स अपेंड होने के बाद वो डिटेल्स की जो डिक्शनरी है वो एम्प्टी हो जाए। तो हमने फाइनली ये पूरा कोड लिख लिया है। अगर हम अभी रिटर्न करें टॉप मूवीज़ की लिस्ट को तो हमें फाइनल आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसे रिटर्न करवाऊं तो मुझे फाइनल आउटपुट मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा इंडेंटेशन, ठीक है अभी हो गया। तो हमने कोड सक्सेसफुली लिख लिया है, तो अब एक बार फिर से कोड देख लीजिए सही से। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट स्क्रैप टॉप लिस्ट, या फिर आप किसी वेरिएबल में स्टोर करके भी इसे प्रिंट करवा सकते हो। तो हमें आउटपुट हमारा ये आ गया है। अगर आपको और भी अच्छी तरीके से आउटपुट देखना है तो आप पी प्रिंट का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी मैं दिखाता हूँ कि कैसे हम यूज़ करके हमारा आउटपुट अच्छे ढंग से हम प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे हमने देखा कि हमारी जो आउटपुट है जो हमारे टास्क में हमें दिया गया है उसी फॉर्म में हमारा डेटा आ रहा है। एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज है और उसके अंदर हर मूवीज़ का डेटा है। अगर हम देखें यहाँ पे एक लिस्ट है उसके अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज है, जैसे कि ये एक डिक्शनरी है और ये दूसरी डिक्शनरी है पोजीशन 1 की, पोजीशन 2 की,
और पोजीशन थ्री, तो ऐसे 250 डिक्शनरीज़ है यहाँ पे। लास्ट की डिक्शनरी अगर आप देखो तो पोजीशन 250, अगर आप इस पे पी प्रिंट करो ठीक है, तो आपको ये और भी अच्छे तरीके से आप इसे देख सकते हो। मैं पी प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। प्रिंट को पहले इंपोर्ट करना होता है ठीक है, मैं पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ पी प्रिंट को। ठीक है, अभी आप देखोगे तो आपको ये जैसा हमारे टास्क में हमें आउटपुट दिया है उसी तरीके से आउटपुट दिख रहा है कि हर एक के लिए एक अलग डिक्शनरी बनी है ठीक है, जिसकी पूरी 163, 164 और एक ये लिस्ट के अंदर है। तो हमने ये टास्क यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।